बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे, घटेगा तो कहीं रिड्यूस हो गया तो रिड्यूस कर देंगे, है ना। जैसे एक क्वेश्चन लिखे प्लीज, देखिए एक व्यक्ति के द्वारा फूड रेंट अदर पे किए गए खर्च का अनुपात लिखो भाई। एक व्यक्ति के द्वारा फूड रेंट और अन्य चीजों पर फूड रेंट और अदर पे किए गए खर्च का अनुपात क्रमशः 4:5:6 है। लिखे 4:5:6 है। रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन ऑन द फूड रेंट अदर आर रिस्पेक्टिवली फोर इज टू फाइव इज टू सिक्स। एक व्यक्ति के द्वारा फूड रेंट और अदर पे किए गए खर्च का अनुपात क्रमशः 4:5:6 है। कितना है? 4:5:6, 4:5:6 है। लिखे एक्सपेंडिचर ऑन द फूड रिड्यूस बाय 10%, भोजन पे किया गया खर्च में 10% की कमी हो जाता है। द एक्सपेंडिचर ऑन द फूड रिड्यूस बाय 10%, भोजन पे किए खर्च में 10% की कमी हो जाता है। लिखे रेंट इंक्रीज बाय 20%, किराए में 20% की वृद्धि हो जाता है। अन्य खर्चों में 40% की कमी हो जाता है। अन्य खर्चों में 40% की कमी हो जाता है। तो फाइंड द रेश द न्यू एक्सपेंडिचर 353 सही उत्तर। फाइंड द रेश द न्यू एक्सपेंडिचर, तो खर्च का नया अनुपात क्या होगा? ठीक है, फाइंड द रेश ऑफ द न्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। खर्च का नया अनुपात क्या होगा? फाइंड द रेश ऑफ द न्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। खर्च का नया अनुपात जल्दी बताइए, धाएं धाएं। कितना आ गया? 353। यही है जी? नहीं है, नहीं आने वाले कैसे आ सकता है ना। यहाँ देखिए भाई साहब, चलिए मैं बताता हूँ, ठीक बताऊ। इसे दो तरीके से कर सकते हो, फूड रेंट अदर। सर इसी का था 4:5:6 यही ना, ओके। या तो मैंने कहा था 400, 500, 600 मान लो, याद है सबको? ऐसे सिखाया था 400, 500, 600 मान लो, ठीक। अब बताओ 400 में क्या हो गया? बताओ, डिक्रीज बाय 10%। 400 का 10% 40 है, तो 40 डिक्रीज हो गया। 40 डिक्रीज करो, 40 कम 300, 360, और इसमें 20% इंक्रीज, 500 का 20%, 100 इंक्रीज, तो कितना हो गया? 600, और 600 का 40%, 240 डिग्रीज घटा दो, 240 घटाओ ना इसमें से, 360, तो काट दो सबको, 12 तिहाई 12 पचे 12 तिहाई। या तो ऐसे बना लो, ठीक, समझ में आ रहा ना, या नहीं तो ऐसे। क्या था पहले रेशियो? 4 5
सिक्स का, ठीक। भोजन के खर्च में क्या हुआ बताओ? 10% की कमी। इसमें क्या हुआ? 20% की वृद्धि। इसमें क्या हुआ? कमी। तो 60% बच गया, ठीक। या तो ऐसे निकाल लीजिए, ठीक है ना। सबका सो सो जी गए। 30 30 30 34 चार उड़ा दो सबका, 4 4 और 4 3 5 3, ठीक। समझ में आ रहा ना? तो जैसे मन करे ले आओ, ठीक। किसी भाई को तकलीफ है? नो, भाई लोग बहुत समझदार हैं, तकलीफ काहे होने देंगे, है ना। ओके, जय श्री राम। चले मिटा दूं? मिटा दें भाई। ए भाई बातें नहीं करते। देखिए एक बच्चा लग क्वेश्चन सिखाने जा रहा हूं, बच्चा कहाँ गायब था? यहां देखिए भाई साहब। ए भाई देखिए, फेस वैल्यू 5 रुपया 2 रुपया 1 रुपया, सिक्के के फेस पे लिखा होता 5 रुपया, नहीं 2 रुपया 1 रुपया, ठीक है ना। तो उसका फेस वैल्यू 5 2 1, ठीक है ना। ओके, नंबर ऑफ सिक्का, नंबर ऑफ क्वाइंस, ठीक है ना, सिक्कों की संख्या, ठीक। बात नहीं करते जी। देखो 20, क्या आपको दिखाई दे रहा है? दे ही रहा होगा, है ना। 20 40 50, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। ये बताओ सही से दाना, सब तैयार हो ना? ओके, जैसे कि यह फेस वैल्यू मतलब 5 रुपया सिक्का और नंबर 20 है, तो 5 का सिक्का 20 है तो 20 25 100 रुपया हुआ, हाँ या ना? ये बात आप समझते हैं? 5 वाला 20 है तो 20 25 100, ओके। 2 वाला 40 है तो 40 दुनी, और ये 50 वाला 1 है, 50 एक कम 50, ठीक, हाँ या ना? कितने का 200? 230 रुपया, कितना हो गया? 230 रुपया, कितना रुपया का हो गया? 230। किसी भाई को दिक्कत? नो, थैंक यू भाई। देखिए एक मिनट सुनिएगा, बात ऐसा है, अब इसको क्वेश्चन बनाकर देगा कि एक बैग में 230 रुपया है, कितना है? एक बैग में 230 रुपया है, ठीक है ना। एक बैग में कितना है? 230 रुपया है। जो 5 रुपया, जो 5 रुपया 2 रुपया और 1 रुपया के सिक्कों के रूप में है, बैग में कितना रुपया है? 210 230 रुपया है, ठीक है ना। जो 5 रुपया 2 रुपया 1 रुपया के सिक्कों के रूप में है, जिनकी संख्या का अनुपात ये लिखवाए थे ना, 2:4:5 50 लिखा था ना, हाँ 2 4 और 5 है। द रेस ऑफ नंबर ऑफ क्वाइंस आर रिस्पेक्टली 2:4:5, ठीक है ना, जिनके संख्या का रेशियो 2:4:5 है, ठीक है ना। द रेस ऑफ नंबर ऑफ क्वाइंस आर रिस्पेक्टली 2:4:5, ठीक है ना, जिनके संख्या का रेशियो 2:4:5 है, ठीक है,
जिनके संख्या का रेशियो क्या है, 2:4:5 है, 2:4:5, कोई दिक्कत तकलीफ आप समझ रहे ना, जिनके संख्या का रेशियो क्या है, 2:4:5, ठीक। तो हमसे पूछेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ कॉइंस ऑफ रुपीज 5, नंबर ऑफ कॉइंस ऑफ रुपीज 2, 1, किसी के बारे में, ठीक है ना, कि 5 के सिक्के कितने हैं, 2 के सिक्के कितने हैं, 1 के सिक्के कितने, समझ में आ रहा है ना। तो हम बचपन में इसको एक समान के बनाते थे, लेकिन जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं, यदि आप इसको एक समान के बनाते हैं, ये 2x, ये 4x और 5x, यदि ऐसे मान के बनाते हैं तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 5 वाला सिक्का 2x है, तो फेस वैल्यू में नंबर ऑफ कॉइन से गुना करेंगे, गुना कर टोटल अमाउंट आ जाएगा। 5 वाला 2 है तो 10x हो गया, इतना रुपया का होगा, ये 8x रुपये का होगा, ये 5x का होगा, टोटल हमारा 230 रुपये का है, तो 23 आ गया ना, बराबर 230, तो x कितना आ गया 10, तो x केवल 10 आ गया। फिर पुट करेंगे यहाँ पर, 20 सिक्का है, 40 सिक्का और ये 50 है ना, ये 20 सिक्का है, ये 40 सिक्का और ये कितना है 50 सिक्का, ठीक है ना, मेरे बात समझ रहे ना, कितने कितने हो गए, 20 सिक्का, 40 सिक्का और 50 सिक्का, 20, 40 और 50, एनी प्रॉब्लम नो। तो ऐसे करके हम नंबर ऑफ क्वाइंस निकाल सकते हैं, 20 सिक्के, 40 सिक्के और 50 सिक्के, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तकलीफ नो। ये समझ में आया, हम कर इतना क्यों लगाते हो दिमाग, एक समान की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट गुना कर लेंगे ना, 5 दुनी 10 रुपया, 4 दुनी 8 रुपया, 5 एकम 5 रुपया, कितना रुपया हुआ, तो 23 बराबर 230 है कि नहीं, 23 बराबर 230, तो 1 बराबर कितना, 230/23 10, 1 बराबर कितना आ गया 10 आ गया, नहीं समझे, 23 बराबर 230, तो 1 बराबर कितना आ गया 10, तो 1 का मतलब 10 है, तो 2 का मतलब, 4 का मतलब, 5 का मतलब, तो ऐसे करके 20, 40 और 50 नंबर ऑफ क्वाइंस है ना, 20, 40 और 50, किसी भाई को दिक्कत नो, तो क्या बना सकते हैं 20, 40, 50, कोई दिक्कत होगा क्या, बोलिए ना, एक क्वेश्चन लिख के दिखाइए, है ना, फिर बातें करेंगे, ठीक है भाई, लिखे एक बैग में 410 रुपया है, एक बैग में 410 रुपया है, ठीक है, जो 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया के सिक्कों के रूप में, ठीक है ना, एक बैग में 410 रुपया है, जो 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया के सिक्कों के रूप में है, अ बैग कंटेन्स रुपीज 410, अ बैग कंटेन्स रुपीज 410 इन द फॉर्म ऑफ 5, 2, 1 रुपी कॉइन, लिखे ए बैग कंटेन रुपीज 410 इन द फॉर्म ऑफ रुपीज 5, ए भाई 5, 2, 1 रुपी कॉइन, 5, 2, 1 रुपी कॉइन, कैसे 5, 2, 1 रुपी कॉइन है ना, एंड द रेशियो नंबर ऑफ कॉइन्स आर रिस्पेक्ट, लिखिए भाई साहब, एंड द रेशियो द नंबर ऑफ कॉइन्स आर रिस्पेक्टिवली, और इनके संख्याओं का अनुपात, लिखिए एंड द रेशियो द नंबर ऑफ कॉइन्स आर रिस्पेक्टिवली, जिनके संख्याओं का अनुपात 4:6:9 है, ठीक है, द रेशियो द नंबर ऑफ कॉइन्स आर रिस्पेक्टिवली 4:6:9, जिनके संख्याओं का अनुपात 4:6:9 है, ठीक है ना, रेशियो द नंबर ऑफ कॉइन्स आर रिस्पेक्टिवली 4:6:9, ठीक है, जिनके संख्याओं का अनुपात 4:6:9 है, ठीक है भाई, द रेशियो द नंबर ऑफ कॉइन्स आर रिस्पेक्टिवली 4:6:9, ठीक है, जिनके संख्या का रेशियो 4:6:9 है, तो फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीज 2, तो 2 रुपया के सिक्कों की संख्या कितनी है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीज 2, तो 2 रुपया के सिक्कों की संख्या बताइए 60, वेरी गुड, यस यस आपका सही है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीज 2, भाई आ गया, 2 रुपया के कितने हैं, वाह आपने भी कमाल कर दिया,
आया, मजा आया, वाह वेरी गुड, सबका आया। कोई भाई पूछना चाहता है, भाई सब आ गए, वेरी गुड भाई साहब। कोई है जिसका आया नहीं है सिक्का वाला? ए भाई, बचपन में सिक्का खूब गिने होंगे, है ना? बताइए, कोई पूछना चाहते हैं? हाँ जी बताइए ना, पूछना है? नहीं, किसी को नहीं? एक भाई साहब ने पूछा, क्या था रेशियो नंबर कॉइन्स का? 4 6 9, 5 वाला 4 सिक्का 20 रुपया, 6 2 12 9 1 9 21 20 41 41 41, 410, 1 = 10। हाँ या ना? 1 = 10, 40 60 90, 40 60 90, 40 60 90, यस और नो, ठीक है ना? ओके, अब इसमें थोड़ा घुमा के देगा, ठीक? अब डरिएगा नहीं, लिखिए। एक बैग में 390 रुपया है। ए भाई साहब लिखिए ना, एक बैग में 390 रुपया है, एक बैग में 390 रुपया है, जो 5 रुपया 2 रुपया और 1 रुपया के सिक्कों के रूप में है, जब 5 रुपया 2 रुपया और 1 रुपया के सिक्कों के रूप में है। ए बैग कंटेन्स रुपीज 390, ए बैग कंटेन्स रुपीज, लिख रहे हैं भाई, 390, ए बैग कंटेन्स रुपीज 390 इन द फॉर्म ऑफ रुपीज 5, रुपीज 2 एंड रुपीज 1, द फॉर्म ऑफ 5 2 1 रुपी कॉइन्स, लिखे हैं 5 2 1 रुपी कॉइन्स, ठीक है ना? एक बैग में 390 रुपया है, जो 5 रुपया 2 रुपया और 1 रुपया के सिक्कों के रूप में, कितना? 5 रुपया 2 रुपया और 1 रुपया के सिक्कों के रूप में, 5 2 और 1 रुपया के सिक्कों के रूप में, लिख लिए। 5 रुपया के सिक्कों की संख्या, 5 रुपया के सिक्कों की संख्या 2 रुपया के सिक्कों की संख्या का 3/2 गुना है। 5 रुपया के सिक्कों की संख्या, 5 रुपया के सिक्कों की संख्या, 5 रुपया के सिक्कों की संख्या 2 रुपया के सिक्कों की संख्या का 3/2 गुना है। 5 रुपया के सिक्कों की संख्या 2 रुपया के सिक्कों की संख्या का 3/2 गुना है। द नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ रुपीज 5, द नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ रुपीज 5, नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ रुपीज 5 इज 3/2 times, नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ रुपीज 5 इज 3/2 times द नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ रुपीज 2, ठीक है ना? नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ रुपीज 5, नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ रुपीज 5, नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ रुपीज 5 इज 3/2 times, इज 3/2 times द नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ रुपीज 2, नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ रुपीज 5, नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ रुपीज 5 इज 3/2 times द नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ रुपीज 2, लिखें। 5 रुपया के सिक्कों की संख्या 2 रुपया के सिक्कों की संख्या का 3/2 गुना है। 5 रुपया के सिक्कों की संख्या 2 रुपया के सिक्कों की संख्या का 3/2 गुना है। The number of coins of rupees 5 is 3/2 times the number of coins of rupees 2. लिख लिए, 5 के सिक्कों की संख्या 2 के सिक्कों की संख्या का 3/2 times है. Okay? आगे. A number of coins of rupees 2 is the 4 times the number of coins of rupees 1. Number of coins of rupees 2. Number of coins of rupees 2 is the 4 times of the number of coins of rupees 1. 2 rupees के सिक्कों की संख्या 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 1 रुपया के सिक्कों की संख्या का 4 गुना है। 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 1 रुपया के सिक्कों की संख्या का 4 गुना है। 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 1 रुपया के सिक्कों की संख्या का 4 गुना है। नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ रुपीज 2, नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ रुपीज 2 द 4 times द नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ रुपीज 1, लिख चुके सब लोग?
दो की सिकुण संख्या एक की सिकुण संख्या का चार गुना है। लिख लिए भाई? अरे वाह कमाल कर दिए। तो फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीज 5। तो पांच वाले सिक्का आ गया। वेरी गुड वेरी गुड। तो 5 रुपया के सिक्कों की संख्या दाएं दाएं बताए। ए भाई साहब फाइंड द नंबर कॉइन्स ऑफ रुपीज 5 जल्दी। फाइंड द नंबर कॉइन्स ऑफ रुपीज 5 ठीक है ना। 5 रुपया वाले सिक्कों की संख्या ए भाई बताए ना जल्दी। फाइंड द नंबर कॉइन्स ऑफ रुपीज 5। यस सही उत्तर। पता नहीं 60 ही है। देखते हैं सबको बहुमत हो तो वही सही होगा। देवी और देवतागण आ गया बोलो ना। आ गया आ गया। वेरी गुड आ गया भाई। सब लोग आ गए हैं। आ गया सबका ठीक है। कोई पूछना चाहते हैं? कोई है? जाग रहे हो ना? कोने में बैठ के उधर। ठीक है ठीक है। यहां देखो क्या कहा इसने। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ऐसे मान लो है ना। जैसे हम कैसे रही इसने निकाला था ए बी सी का है ना। 5 वाला मान लो ए है, 2 वाला मान लो बी है, 1 वाला सी है ठीक है ओके। तो कहा कि 5 के सिक्कों की संख्या 2 के सिक्कों की संख्या का 3/2 टाइम। यही कहा था ना? पक्का? ओ और 2 वाला सी का 4 गुना है। यही कहा? एक है तो 4 है। पक्का? ए भाई पक्का? क्या आपको उल्टा ही आता है? 12 8 2 काटो 6 4 और 6 4 और तो 6:4:1 6 4 और 1 6:4:1 यस अनु। देवी और सजनों क्या आप समझ पा रहे हैं? 6:4:1 ठीक है ना। क्या आप समझ पा रहे हैं? है? ओके 6:4:1 6:4:1 6:4:1 ठीक है ना। 6:4:1 यस और नो। ए भाई सुनते क्यों नहीं है? देखिए सुनना है। ये रेशियो निकालने आ गया। ये इसका दुगना है, ऐसा है, वैसा है, चाहे इतना भाग है, कुछ नहीं करना, रेशियो निकाल देना ठीक है ना। और रेशियो अगर नंबर ऑफ क्वाइंस का तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। करिए 6 5 4 2 1 1 30 बराबर। ओहो ये तो वही है ना। ये भी 10 बार में कट गया है ना। 1 बराबर 10 तो 60 40 10 जिसके बारे में पूछे बता दो। क्या आपको तकलीफ है? है क्या? नहीं है? हाँ होना भी नहीं चाहिए। मिटा दू? मिटा दूं भैया? सब लोग तैयार हैं? ओके तैयार। कहा कि एक बैग में पैसा है। निकालने मत लगो, रुक जाओ। उतारू हो गया, लूटपाट। देखो ए भाई ध्यान सुनिएगा। 1 रुपया वाला है, 50 पैसा वाला है और 25 पैसा वाला है ठीक।
एक बैग में पैसा है, कितने कितने वाला है? 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा, ठीक है भाई? नहीं चलता है? अरे उसके जमाने में चलता था जो क्वेश्चन सेट करेगा वहां, नहीं समझे? ठीक, आपके जमाने में नहीं चलता, बात अलग है। देखो इनके जमाने में चलता था, ठीक है ना? तो ठीक है, हाँ। नहीं पैसा ठंड था, 2000 का से बंद हुआ ना, 99 या 2000 में बंद हुआ, वही ना, है ना भाई? तो उसमें तो बहुत लोग थे ही, है ना? ये नहीं होगा अभी 17 साल का है। वेरी गुड, कोई बात नहीं, आपके जमाने में चले चले, लेकिन उसके जमाने में जरूर चलता था जो कि क्वेश्चन सेट करेगा। ठीक, वापस तो बड़ा ही होगा ना, देखो ना। ठीक, तो इसीलिए घबराइए नहीं, पैसा वाला भी सीखिए, ठीक है? ओके, यहां देखिए भाई साहब, ठीक है, चमन्नी अठन्नी, चलिए यहां देखिए, सब तैयार हैं, एकदम बकवास नहीं, आइए, बात नहीं करते जी, यहां देखो, दिखाई दे रहा है? हाँ, 40, 30 और 20 है, दिखा दिया? ओके भाई साहब, बात नहीं करते, यहां देखिए, यहां देखिए, सीखेंगे कैसे आप? देखिए 40 दिखाई दे रहा है? ए भाई दिखाई दे रहा है? 40 सिक्के हैं, एक एक रुपया का था, कितना रुपया हुआ? ओके, 30 30 सिक्के हैं, 50 पैसा, 50 पैसा मतलब 8 आना, मतलब आधा रुपया, है ना? 50 पैसे समझते हैं ना? हाँ, 50 बटा में 100 मतलब 1 बटा में 2 रुपया, कितना होता है? 1 बटा में 2 मतलब 15 होता है, ठीक? फिर 20 सिक्के हैं, 25 पैसा वाला, 25 पैसा का मतलब 25 चौके 100, इसका मतलब 1/4 होता है, मालूम है सबको? हाँ मालूम है, 1 मतलब 1, 18 मतलब 1/2, और 54 मतलब 1/4, और 20 पैसा मतलब 20 25 100, 1/5, ठीक? 1 बटा में 100, ठीक? चुप रहो तुम, देखो क्या आप समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं? 20 पैसा में कितना रुपया? देखिए, हाँ, वेरी गुड, तो आप समझ रहे हैं जो हम समझा रहे हैं? ज्यादा दिमाग की उधर मत ले जाइए प्लीज, ठीक है? फिर अब खुला पैसा गिनना शुरू कर दिया सब लोग, यहां देखो ठंडी जमा नहीं कर रहा। 4 वाला 1, 40 सिक्का है, 1 वाला आई कितना रुपया का? 15 रुपया, ये कितना हो गया? 5 रुपया, कितना हो गया? 60 रुपया, ठीक? ए भाई देखो, ऐसी दिया रहेगा, 1 बैग में 60 रुपया है, कितना? हाँ, 1 बैग में 60 रुपया है, ठीक? जो 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है, कैसे है? 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। द रेश नंबर क्वाइंस आर स्पैकली 4:3:2, यही लिखा था ना? जिनके संख्या का रेशियो 4:3:2 है, ठीक है ना? 4:3:2 है, ठीक? ओके भाई, भाई जी, ओके, जो समझाए तो समझिएगा, ठीक है ना? 4 सिक्के हैं, 1 वाला, ठीक? 3 सिक्के हैं, 50 पैसा वाला,
पचास पैसा तो 1/2, ठीक। दो सिक्के हैं 25 पैसा वाला, हाँ या ना, बोलो ना। दो दूनी चार, कट गया। ओके, एलसीएम ले लिया, 4 दूनी 8, 3 1 कितना हो गया, 12/2 कितना आ गया, 6/60 तो 1/10 है ना, 4/40 30 और 20, ऐसे 40 30 20 आ गया। क्या आप घबराएंगे, क्या आप इसे बनाएंगे, पक्का कोई दिक्कत नहीं, फ्रैक्शन में आएगा ना तो फ्रैक्शन में जोड़ देंगे, फ्रैक्शन का जोड़ घटाव नहीं आता क्या है, तब वेरी गुड, चलो चालू हो जाओ। आ रहा समझ में, एक बैग में 55 रुपया है, एक बैग में, एक थैला में 55 रुपया है, एक बैग में 55 रुपया है, जो 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है, जो 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है, ठीक। एक रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। ए बैग कंटेन्स रुपीज 55, ए बैग कंटेन्स रुपीज 55 इन द फॉर्म ऑफ रुपीज वन, द फॉर्म ऑफ रुपीज वन 50 पैसा एंड 25 पैसा, ठीक है। ए बैग कंटेन्स कितना, रुपीज 55, ए बैग कंटेन्स रुपीज 55 इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ रुपीज वन 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स, ठीक है ना। एंड द रेशियो द नंबर कॉइन्स आर रिस्पेक्टिवली, जिनके संख्या का अनुपात क्रमशः, रेशियो द नंबर कॉइन्स आर रिस्पेक्टिवली, जिनके संख्या का अनुपात क्रमशः 1:2:3 है, रेशियो द नंबर कॉइन्स, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कॉइन्स आर रिस्पेक्टिवली 1:2, 2:3, जिनके संख्या का अनुपात क्रमशः 1:2:3 है, द रेशियो द नंबर ऑफ कॉइन्स आर रिस्पेक्टिवली 1:2:3, जिनके संख्या का अनुपात क्रमशः 1:2:3 है। तो फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसा, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, फाइंड द नंबर कॉइन्स ऑफ 50 पैसा, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, फाइंड द नंबर कॉइन्स ऑफ 50 पैसा, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, क्या सबका आ गया, वेरी गुड। क्या सबका आ गया, कितने निकले, 50 पैसा 40 है, 40 सिक्के ही ना, कौन है वो? कोई पूछना चाहते हैं, कोई है जिसका नहीं नहीं आया, कोई बात नहीं, देखो
हाँ तो फिर यहाँ देखा जाए, भाई देखिए, भाई जी क्या देखिए, 1 2 3 है मालूम है या नहीं? मालूम है? ओ, 2 है 50 पैसा वाला, 3 है 25 पैसा वाला, ठीक। एलसीएम कितना आएगा? 4 4 4 3, 11/4 बराबर 55। 1/55 = 11 × 5 = 20। ओके, किसका पूछे थे? 50 पैसा, 58 का, ठीक है। कोई दिक्कत भाई? सभी भाई लोग को आ रहा है क्या? आप सीख पा रहे हैं? ओके, थैंक यू। इसे मिटा दूं? अच्छा, इसमें भी कहते दुगुना तीन गुना ऐसे ऐसे है, हमरा लोगे? लो दे दिया। लिखिए एक बैग में, ए भाई साहब लिखिए, बातें नहीं करते हैं, बहुत बात करते। एक बैग में 155 रुपया है, एक बैग में 155 रुपया है, जो 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। एक बैग में 155 रुपया, एक बैग में 155 रुपया है, जो 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। ए बैग कंटेन्स ₹155, बैग कंटेन्स ₹155, द फॉर्म ऑफ ₹150 एंड 25 पैसा, इन द फॉर्म ऑफ ₹150 एंड 25 पैसा, ठीक है ना। ए बैग कंटेन्स ₹155, बैग कंटेन्स ₹155 इन द फॉर्म ऑफ ₹150 एंड 25 पैसा, ठीक है। एक बैग में 155 रुपया है, जो 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है, ठीक। 1 रुपया के सिक्कों की संख्या, 1 रुपया के सिक्कों की संख्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का 2/3 है। 1 रुपया के सिक्कों की संख्या, 1 रुपया के सिक्कों की संख्या, 1 रुपया के सिक्कों की संख्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का 2/3 है। द नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ रुपीज वन, नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ रुपीज वन इज 2/3 टाइम्स नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ रुपीज वन, नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ रुपीज वन इज 2/3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ 50 पैसा। 2/3 टाइम्स, 2/3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ क्वाइंस, 2/3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ 50 पैसा, 2/3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ 50 पैसा। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का 2/3 है। कोई दिक्कत नहीं? आगे, 50 पैसे के सिक्के की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का दुगुना है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का दुगुना है। द नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ 50 पैसा द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ 25 पैसा। नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ 50 पैसा, नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ 50 पैसा इज ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ क्वाइंस, ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ 25 पैसा, ठीक है ना। तो फाइंड द नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ 50 पैसा। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताइए। फाइंड द नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ 50 पैसा, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 2/2 बताएं, ठीक है ना। फाइंड द नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ
50 पैसा। एक सौ बीस है। सभी भाई बंधु का आ गया, 120 आ गए। थैंक यू भाई। कोई है जो पूछना चाहता है अपना हाथ उठाए। उठाइए अपना हाथ, उठाइए उठाइए। सबका आ गया, सबका आ गया। ठीक है तो मत पूछो। कोई नहीं पूछना चाहते? पटना से कोई चाहते हैं? कोई नहीं पूछना चाहते है ना? कुछ लोग बना रहे हैं अभी, फिर भी पूछना नहीं चाहते हैं। वाह वेरी गुड, तो बनाइए ना। देखिए भाई जी, देखिए ना, बोलिए जी। अच्छा मान लो इसको ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक। तो एक रुपया के सिक्कों की संख्या 50 पैसे का 2/3 है, यही ना कहा। फिर 50 पैसा 25 पैसे का दुगुना है, 2:1 है। तो यहां से निकालेंगे 8:2, 20:3, 4:6:2। क्या बोला? क्यों वन कैसे? यही था ना, ऐसे करते हैं ना, ऐसे 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 और ऐसे करते हैं ना, 4, 6 और 3 ना, तो वन कैसे बोला था? कोई दिक्कत नहीं ना। तो रेशियो 4:6:3 यही था ना सबका? कोई दिक्कत तकलीफ किसी को? इस हम तो पहला क्लास में सिखा देते, देखे थे ना, पहला क्लास देख लिए थे। कब देखे? आज देखे हैं। अच्छा जब बोल बोलते हैं आज ही देखे हैं। कैसा आदमी है, कहाँ देखा था? बस इतना थोड़ा देख लिया, बस हो गया। अरे घर में गेट बंद करके आराम से शांति से देखते हैं, नहीं समझा? और क्या, अभी ऐसे में क्या समझ में आएगा? देखिए सीख गए भाई आप। देखिए 4×4 50 पैसा वाला और 25 पैसा वाला, यही ना। एलसीएम 4×4 = 3 और जोड़िए 30/4, ये किसके बराबर हुआ? तो एक बराबर कितना? 155/31 20 आ गया क्या? 20×20 दिए, यही ना। तो ये हो गया 120। यस और नो? थैंक यू वेरी मच। ठीक है ना, क्या आपको तकलीफ है? यहां देखिए, अब इसी को घुमा के और भूलेगा। समझ में आया कि नहीं? मिटा दू भाई जी? अनुमति है? अनुमति नहीं है? बोलिए ठीक है भाई साहब, ने अनुमति दे दिया। फिर से लिखता हूं,
भाई यहां देखो, चुप रहो, फेस वैल्यू और उसका वैल्यू, इसको अमाउंट कहते हैं। दिखाई दे रहा है, वेरी गुड, आपको दिखाई दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है, ये बोल रहा है सुनाई भी दे रहा है, बहुत अच्छा, सही है इसका मतलब। सही है, ठीक है, उसको भी दे रहा है, दो पांच दो और एक है ना, वेरी गुड। तैयार है सब लोग? वेरी गुड, वेरी गुड। बात ऐसा है, इस बार दिया है फेस वैल्यू, 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया के सिक्के हैं, ठीक। एंड द रेशियो ऑफ वैल्यू अमाउंट, उनके मूल्यों का अनुपात, हिंदी क्या बोलते हैं, मूल्यों का अनुपात है ना, यस, हाँ, उनका वैल्यू का रेशियो, उनका अमाउंट का रेशियो, ठीक। ये समझ में आया? मैं समझाता हूं, आपके पास 20 रुपया है, कितना अमाउंट है, यस, आपके पास 20 रुपया है, भाई साहब आपके पास 20 रुपया है, ठीक है, लेकिन 5 का सिक्का होना चाहिए, है 20 रुपया, तो इसका मतलब कितने सिक्के हो जाएंगे, नहीं समझे, आपके पास 20 रुपया है, 5 5 वाला सिक्का, तो कितने सिक्के हुए, तो नंबर ऑफ क्वाइंस कैसे निकला, ए भाई साहब निकल रहा है ना, ठीक है, यहां देखो आराम आराम से जरा, ठीक है ना, ये आदि मानव है कौन, ठीक है ना, चलिए, लगता है उसको निकालना ही पड़ेगा, है ना, 20 रुपया है 5 5 वाला, 20 रुपया है 5 5 वाला, तो कितने सिक्के हुए, 4, ओके, आपके पास 40 रुपया, क्या है 40 रुपया है, 2 2 का सिक्का, 40 रुपया है, 2 2 का सिक्का, तो 40 रुपया है, 2 2 का सिक्का, कितने सिक्के होंगे, और 30 रुपया है, 1 1 का सिक्का, तो कितने हुए, 30 ही हुए, तो सब मिला कितने हो गए, 54, मतलब टोटल वैल्यू में उसका जो वैल्यू है, अमाउंट है, उसमें फेस वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, नंबर ऑफ क्वाइन, सिक्कों की संख्या, मतलब इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। आप सभी लोग समझ पा रहे हैं, ओके। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा दिया कि एक बैग में 54 सिक्के हैं, कितना, एक बैग में 54 नंबर ऑफ क्वाइंस, 54 सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं, 54, जो 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया के सिक्कों के रूप में है, और जिनके मूल्यों का अनुपात, जिनके मूल्यों का अनुपात 2 4 और 3 है, ए भाई साहब यहां देखिए, जिनके मूल्यों का अनुपात 2 4 और 3 है, रेशियो देयर वैल्यूज आर रिस्पेक्टिवली, रेशियो देयर वैल्यूज आर रिस्पेक्टिवली 2:4:3, जिनके मूल्यों का अनुपात 2 4 3 है, ठीक है भाई, मूल्यों का अनुपात 2 4 3 है, कोई दिक्कत भाई, चले, वेरी गुड, इनके मूल्यों का अनुपात 2 4 3, समझिएगा ध्यान से प्लीज, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें छोटी छोटी बातें हैं ना, ध्यान सुनिएगा, इधर देखो, हमें निकालना है
नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या। क्या आप तैयार हैं भाई? वेरी गुड। नहा धोआ क्या तैयार हो के ना? ठीक है, वेरी गुड। एकदम आराम से देखिएगा, एकदम रिलैक्स दिमाग को रखिएगा, ठीक है ना? भूलिएगा मत इस बात को। टोटल अमाउंट दिया है, वैल्यू दिया है, वैल्यू में क्या करते हैं, उसके फेस वैल्यू से भाग देते हैं, तो क्या निकलता है? यस, ये वैल्यू है और इसका फेस वैल्यू से भाग दे दिए तो क्या निकल गया? ये टोटल वैल्यू है और ये फेस वैल्यू से भाग दिया तो क्या निकला? ये टोटल वैल्यू है, इसका फेस वैल्यू से भाग दिया तो क्या निकला? नंबर ऑफ कॉइन। समझ में आ रहा है भाई? देखिए आराम से, बहुत सिंपल है, बातें नहीं करिएगा भाई। देखो, समझ में आया? नंबर ऑफ कॉइन्स कभी फ्रैक्शन में नहीं होता। सिक्कों की संख्या कई पॉइंट में सुना है, ढाई सिक्का दे दो, ढाई रुपया नहीं है तो एक सिक्का का आधा कर दो, ढाई रुपया हो जाएगा। ऐसा सुने हैं क्या आपने कभी? सिक्कों की संख्या पॉइंट में सुना है? किसने सुना है? आ? मेरे मुंह से सुना? क्या सुन लिया मेरे मुंह से? ठीक है ना? एकाक व्यक्ति है जी आसपास में उसका बैठा है जो हल्ला से करता है ना, चुपके से वीडियो बनाओ। मैंने ऐसा दो चार लोग को सबक बहुत सिखाया हूँ, आसपास में हल्का सा अपना फोटो खींचना, लेकिन उसका आ जाना चाहिए पीछे से, है ना? बस मजाक नहीं, फिर उस बच्चे को हम क्या करते हैं तुम्हें बताऊंगा नहीं। और वो भी नहीं बताएगा तुमको, ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक है, बस इधर देखो भाई साहब, ठीक, तैयार हो जाए इधर, फटाफट इधर देखिए फटाफट। तो हमने कहा कि उसके वैल्यू में, उसके फेस वैल्यू से डिवाइड करें तो नंबर ऑफ कॉइन्स आएगा, और नंबर ऑफ कॉइन्स कहीं पॉइंट में, फ्रैक्शन में नहीं होता। ये तो आ चुका है। क्या हम सिक्का पॉइंट में ले सकते हैं? हैं? थोड़ा कटा भी रहेगा कौन चलेगा नहीं, सिक्का है ना, कटा हुआ भी रहेगा तो चलेगा नहीं। मतलब ऐसा कोना कट गया तो 25% कम दे दो, है कि नहीं? फटा हुआ नोट तो कम से कम कुछ वैल्यू काट छाड़ कर दे देता है ना, और सिक्का आदि कोना कट गया उसका तो ले जाओ घर जमा करना, ठीक है ना? तो नहीं चलता है ना भाई साहब, है? एक तरफ से घीस भी दो ना, एक तरफ चल रहा है एक तरफ घीस दो तो भी नहीं चलता है कि नहीं? कहेगा डुप्लीकेट है, एक तरफ चिपका दिया एक तरफ मिला नहीं, कैसे है ना? ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब समझिएगा, मतलब से मतलब समझिएगा, ठीक है? कहानी मत सुनाइए घर घर की भाई, देखिए ना, यहां देखिए मेरा कहना मतलब यह है कि पॉइंट में नहीं होता, ठीक? तो इसे हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका रेश एलसीएम लेके गुना करेंगे, ठीक? इसका काट दो इसको पहले, इसे एक हो गया तो अब पांच हो गया ना, पांच से गुना कर दो, पांच पांच पांच, ये पांच कट गया दो, ये कितना हो गया दस, और ये पंद्रह, ठीक? आप समझ रहे हैं ना, सबको जोड़िए, सताइस, यहां सिक्के कितने आए 27, तो 27 बराबर कितना दिया है 54, तो एक बराबर कितना हो गया, एक बराबर तो दो बराबर, दस बराबर, पंद्रह बराबर आ गया, पांच का चार सिक्का था, दो का 20 सिक्का था, ये 30 सिक्का था। जरा सा मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूं, है बहुत इजी क्वेश्चन, नहीं कभी कभी दिमाग घुमा देता है भाई साहब, ठीक है ना? देखिए आप ही जान, अच्छा आप कहेंगे पिछला में आपने रेशियो क्यों नहीं निकाला, जब उसमें जब पैसा दिया हुआ था तो उसमें आपने उसमें उसमें रेशियो क्यों नहीं निकाला? तो पैसा पॉइंट में हो सकता है, 50 पैसा 25 पैसा पॉइंट में हो सकता है ना, तो उसमें रेशियो मत निकाल, गलत हो जाएगा। अरे उसमें रेशियो निकाल दिए तो क्या हो जाएगा, गलत। क्यों? क्योंकि पैसा पॉइंट में हो सकता है कि नहीं,
3.5 रुपया, 3 रुपया 50 पैसा हो सकता है ना। अभी उसमें जब दिए थे 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा था ना, तो 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा सिक्का दिया हुआ था, तो उसमें पॉइंट में हो सकता है। तो इसीलिए उसको हम लोग फ्रैक्शन को हटाते नहीं, उसे डायरेक्ट ही जोड़ते थे, कितना इतना सब डायरेक्ट जोड़ लिए थे, है ना। तो जब कभी आपको पैसा दिया हो, अमाउंट दिया हो, तो अमाउंट को आप पॉइंट में भी ला सकते हैं, ठीक। लेकिन संख्या नंबर कभी पॉइंट में नहीं होता, है ना। नंबर कभी पॉइंट में नहीं होता, संख्या कभी पॉइंट में नहीं होता, समझ में आ रहा है ना। लेकिन अमाउंट हो सकता है, ठीक है, याद रहेगा सबको, पक्का याद रहेगा ना, ठीक है, ओके। याद रखना, जिसमें जो उसमें निकालते हैं अमाउंट पिछला क्वेश्चन में, उसको हम लोग पॉइंट फ्रैक्शन में ही जोड़ लेंगे, फ्रैक्शन में ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक। लेकिन जब नंबर ऑफ पॉइंट्स आएगा तो कभी फ्रैक्शन में रखेंगे, फ्रैक्शन का एलसीएम लेके फ्रैक्शन को रिमूव कर देंगे, ठीक है ना। उससे हम इंटीजर के फॉर्म में कंप्लीटली ले आएंगे, ठीक है भाई, एनी प्रॉब्लम नो। अब यहां से गिनेंगे, सिक्कों की संख्या 27 है, 27 दोबारा 54, 1 बार 2 तो 2 4 हो गया, 10 20 15 30, एनी प्रॉब्लम। क्वेश्चन लिखिए, एक बैग में एक थैले में 52 सिक्के हैं। A bag contains 52 number of coins. A bag contains 52 number of coins. The form of 5 to 1 rupee coin. ठीक है ना? A bag contains 52 number of coins. A bag contains 52 number of coins in the form of 5 to 1 rupee coin. ठीक है ना? एक बैग में 52 सिक्के हैं। एक बैग में 52 सिक्के हैं, जो 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया के रूप में, ठीक है ना। एक बैग में 52 सिक्के हैं, जो 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया के सिक्कों के रूप में लिखे। बैग कंटेन 52 नंबर क्वाइन द फॉर्म ऑफ 5 to 1 रुपी क्वाइन, ठीक है भाई, ओके। And the ratio of their values are respectively, and the ratio of their values are respectively, इनके मूल्यों का अनुपात क्रमशः, ratio of their values are respectively, इनके मूल्यों का अनुपात क्रमशः 3:2:1 है। Ratio of their values are respectively 3:2:1, इनके मूल्यों का अनुपात क्रमशः 3:2:1 है। लिखे, ratio of their values are respectively 3:2:1, इनके मूल्यों का अनुपात, लिख रहे हैं भाई, 3:2:1 है। तो फाइंड द नंबर क्वाइंस ऑफ रुपीज 5, तो फाइंड द नंबर क्वाइंस ऑफ रुपीज 5, तो 5 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना है, नहीं लिख पाए क्वेश्चन। रेशियो ऑफ देयर वैल्यूज आर रिस्पेक्टिवली 3:2:1, इनके मूल्यों का अनुपात 3:2:1 है, तो 5 के सिक्कों की संख्या बताइए। Find the number of coins of rupees 5, ठीक है ना। ओ भाई, 5 वाला सिक्का बताइए ना, भाई जी, भाई जी, ए भाई जी, अजी बताइए ना, कितना है 12, ए भाई ऐसे नहीं, बोलो क्या था रेशियो, 3:1, 3:2, ओके। अब इसको भाग दो, 3 में किससे भाग देंगे, 2 में किससे भाग देंगे और 1 में, उड़ी बाबा बाबा उड़ी, कितना आ गया 13, कितना आ गया 13:52, तो 1:13:52, 1:4:4 5, तो हमसे पूछा 5 वाला क्या बोलेंगे, 12 सिक्के। किसी भाई को तकलीफ, चलें क्या आगे, नहीं पहले ही सब हथियार डाल दिया, चलो ठीक है, आज के इतना ही, जय श्री राम, कमी पड़ती